फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। और बाजारों के सितारे में आज एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ यहाँ पर कम्युनिटी बाजार, शेयर बाजार का अपडेट और आज का राशिफल। जानेंगे कि आज का राशिफल कैसा रह सकता है और आज का राशिफल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम सीवी पर। शुभ प्रभात मार्केट टाइम के सभी दर्शक बंधु, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो मैन डिजिटल चैनल एवं मार्केट टाइम्स टीवी के सही प्रयासों से ये शो आज तक प्रसारित किया जा रहा है। आज 1 फरवरी 2022। आज के शो में हम राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान, कृषि दिन से होने वाली हलचल और शेयर बाजार के अंदर क्या संभावना बनेगी, इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण नॉन एग्रो कमोडिटीज के अंदर क्या संभावना बन सकती है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले राशियों के आधार पर नफा नुकसान। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि पृथ्वी की 3 राशियां 1, 5 और 9 में सिंह और धनु राशि आज आपके लिए दिन स्मूथी रह सकता है, अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। 1 से 2 बजे के बीच में आपको रखनी है अतिरिक्त सावधानी। कुछ अगस्त ये है वृषभ, कन्या और मकर राशि, पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, निश्चित रूप की तरफ इशारा कर रही है। 2 से 3 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। 3, 7, 11 मिथुन, तुला और कुंभ राशि दिन आपके लिए संभवतः मुकीत नहीं है, विशेष सावधानी रखिए। 3 से 4 बजे के बीच 4, 8, 12 जल तत्व की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, निश्चित रूप की तरफ इशारा। 11 से 12 बजे के बीच में रखनी है अतिरिक्त सावधानी। तो दोस्तों, ये था राशियों के आधार पर आपका नफा जी। अखिले जी कर्नल अजय जी, तो ये तो हमने कर्नल अजय जी से जाना कि आज आपका राशिफल कैसा रह सकता है, किन राशियों में आज मुनाफा देखने को मिल सकता है, कौन सी राशियां मुनाफा कमाने की स्थिति में रह सकती हैं और किन को बचकर चलना चाहिए। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब यहाँ से कम्युनिटी बाजार की। कर्नल अजय जी, यहाँ से बात करें अगर कम्युनिटी बाजार की, तो सबसे पहले कृषि फसलों के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। हम देख रहे हैं कि जीरा 19,000 के ऊपर टिका हुआ है, 19,000 के ऊपर ही कारोबार कर रहा है NCDX वायदा बाजार पर। लेकिन जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वायदा कारोबारी हैं, उनका ये भी मानना है कि जीरे में अभी एक हेल्दी करेक्शन भी बनती नज़र आ सकती है। आपका क्या कहना है, क्या जीरे में अभी यूं ही तेजी बनती रहेगी या फिर यहाँ से एक हेल्दी करेक्शन, यहाँ से एक अच्छी गिरावट भी देखने को मिलेगी? देखिए, जीरा के ऊपर यदि हम फंडामेंटल देखें तो ये एक निर्विवाद सत्य है कि भारत जीरे का सबसे बड़ा निर्यातक और सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सीरिया, टर्की, ईरान और के अंदर जरूर जीरे के उत्पादन है, लेकिन उनका उत्पादन इतना नहीं है जो कुछ उसके ऊपर विशेष जोर डाल सके। ईरान के अंदर भी कुछ जीरे का उत्पादन होता है और ईरान को, लेकिन जो टर्की, सीरिया, ईरान जो है, ये अपनी घरेलू जरूरत के अलावा कुछ ये बहुत मामूली सा ये निर्यात भी करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात ये भी निकल के आ रही है कि जीरे के ऊपर कुछ लोगों ने, भारतीय जीरे के ऊपर कुछ प्रतिबंध की भी सूचना मिल रही है, क्योंकि पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक का अधिक उपयोग से उसके ऊपर ये समस्या शायद आ सकती है। चाइना के अंदर भी जीरे की डिमांड अच्छी आने की उम्मीद है। तो कुल मिला के मिक्स और मिश्रित फंडामेंटल बन रहे हैं। और जहां तक उपज का सवाल है, इस बार जैसे गुजरात के अंदर काफी कम पैदावार की सूचना है, जई क्षेत्र की कमी है, और जो निर्यात भी है वो भी पिछले साल के मुकाबले इस बार कम हुआ है। तो ये था फंडामेंटल का एक नजरिया, जो कि हर कारोबारी को पता होना चाहिए कि यदि वो जीरे का व्यापार करता है। लेकिन इससे ऊपर यदि हटके चले, यदि हम कॉटन की तरफ देखें या सोयाबीन की तरफ देखें या और दूसरी कम एग्रोजींस की तरफ देखें कि पैदावार, देखिए सरसों आज से 2 साल पहले लगभग 35-36-3700 रुपए के आसपास की सरसों चलती थी जी। पैदावार भी बंपर थी, उसके बावजूद भी सरसों ने 8,000-9,000 के भाव देखे,
सोयाबीन के अंदर भी 119 लाख टन की सोयाबीन के उत्पादन की खबर थी, उसके बावजूद भी सोयाबीन नीचे जाने के बाद जबरदस्त ऊंचाइयां भी देखी। तो उत्पादन और डिमांड के साथ साथ में और दूसरी जो गतिविधियां हैं उसके ऊपर भी निर्भर करता है। सरकारी नीतियां भी इसमें महत्वपूर्ण अपनी रोल अदा करती है, फिर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट क्या आया है उस पर भी निर्भर करती है। और चूंकि अभी पूरा ग्लोबल विलेज माना जाता है, पहले आप सूचनाओं को आदान प्रदान नहीं हो पाते थे, लेकिन अब सूचना के आदान प्रदान हो रहे हैं, तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि जीरे ने अच्छी मूवमेंट दी है और अच्छी मूवमेंट आगे भी देने की संभावना बनेगी, लेकिन कुछ पॉज की में से इनकार नहीं किया जा सकता फरवरी के महीने में, तो इसमें कोई दोहराय नहीं है। लेकिन जीरे के अंदर कुल मिला के फंडामेंटल मजबूत है और ऊपरी स्तरों पर आने वाले 10 से 12 15 दिन के अंदर कभी मुनाफा वसूली की भी संभावना बन सकती है। जी अखिलेश जी, जी यही से कन्हैया जी, जी बात करें अगर आप कपास खल की, बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हम देख रहे हैं कि 3100 का लेवल के बाद आज बिनौला खल ने कई दिनों के बाद 3200 का लेवल फिर से टच किया है, हल्की सी बढ़त बनती नजर आई है। आपको क्या लगता है यहाँ से करेक्शन फिर से गहरा जाएगी या फिर यहाँ से कुछ तेजी बनेगी? देखिए आप कपास खली के अंदर मेरा यही कहना है कि कपास खली महत्वपूर्ण पशु आहार में आती है, इसमें कोई दोहराय नहीं है और इसको डेयरी फार्मिंग पशुपालक इसको बहुत पसंद भी करते हैं और ये भी बताया जाता है इससे दूध पशुओं के दूध के अंदर बढ़ोतरी होती है, ये सारी चीजें ठीक हैं। लेकिन जितने भी ऑयल सीड वेस्ट हैं या खली हैं, चाहे वो सरसों हो, सोया हो या दूसरे भी हो, तो उनके भावों का भी हमें अवलोकन कर लेना चाहिए। जब तक सबका की कंपैरेटिव एक स्टेटमेंट नहीं बने तो हमें नहीं लगता है कि कोई किसी भी कोई एक खली किसी दूसरे से बहुत बड़े डिस्टेंस से आगे निकल जाए, क्योंकि सरसों की पैदावार बहुत बड़ी है की सूचना मिल रही है और इसका रकबा भी काफी है, तो जैसे सरसों की खली भी जो है वो इसके आसपास ही है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, नीचे की इससे कमी है। तो कुल मिला के यही कहना होगा कि कपास खली को अपने दामों पर काबू रखना है। जब 3400-3500 के आसपास थी तब हमने कहा था कि इसमें मुनाफा वसूली हुई, लगभग 10% के आसपास की मुनाफा वसूली देखी भी गई, लेकिन इन भावों के ऊपर अब मुझे लगता है कि एक बार बाउंस बैक इंट्राडे में बन सकता है, तो ये तेजी दिखा सकती है। जो इंट्राडे के खिलाड़ी हैं, इंट्राडे के व्यापारी हैं, एनसीडेक्स पे काम करते हैं, उनको मुझे लगता है कि आज खरीदारी करके चलने में ही भलाई है। ये अखिलेश जी, तो यानी कि इंटरडे में कपास खली में खरीदारी में ही रहा जा सकता है। यहीं से कर्नल जी बात करें अगर ग्वार की, तो ग्वार कम ग्वार सीड में देख रहे हैं कि यहाँ 12,000-6400 का लेवल दिखाने के बाद हल्की सी करेक्शन बनी है, आपको क्या लगता है यहाँ से करेक्शन और ज़्यादा गहराएगी या फिर ये कीमतें तेज हो जाएंगी? कल ग्वार सीड को देखें तो 6357 के भाव थे और गम के भाव देखें तो 11,958 के भाव कल के थे। मुझे लगता है कि इन दामों के अंदर कुछ अब मजबूती की संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि गवार कॉम्प्लेक्स जहां तक है इसके अंदर धीरे धीरे जो काफी स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज हैं वो भी धीरे धीरे कम हो रही हैं, और गवार शीट के अंदर जो फंडामेंटल एनालिसिस अभी हम देखें तो गवार शीट के अंदर जो अराइवल्स हैं वो धीरे धीरे कम हो रही हैं और अच्छी क्वालिटी का गवार अपनी अपने भाव प्राप्त कर रहा है। एक्सपोर्टर्स के पास भी पर्याप्त ऑर्डर की सूचना है कि पर्याप्त ऑर्डर्स हैं उनके पास, तो माल तो लेना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई दोराय नहीं है, लेकिन जो छोटी अवधि के अंदर उतार चढ़ाव रहेगा वो रहना भी चाहिए, नहीं तो बाजारों के अंदर स्टैग्नेंसी आ जाती है और समान रूपता से कोई भी बाजार चल नहीं सकते। इंटरडे के अंदर मुझे लगता है गवार सीड के अंदर मजबूती की संभावनाएं बन सकती है और इसको खरीदारी की जा सकती है, और क्योंकि हर रोज हम आपके साथ होते हैं ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, तो इंटरडे के अंदर यदि गवार सीड में खरीदारी की जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं रहेगी, इसके अंदर तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। जी अखिल जी, जी कर्नल जी यहीं से बात करें अगर अब एग्री के बाद नॉन एग्री कम्युनिटीज की, तो हम देख रहे हैं कि सोने चांदी की कीमतों में उठापटक देखने को ज़्यादा मिल रही है। सोना एक बार फिर से $1800 के नीचे लुढ़का है,
सिल्वर में भी देख रहे हैं कि गिरावट बनती नजर आई थी, हालांकि कल के मुकाबले आज कुछ हल्की सी बढ़त जरूर देखने को मिली है। आपको क्या लगता है, क्या सोने चांदी में ऐसी उठापटक का माहौल आगे भी देखने को मिलता रहेगा या फिर एक तरफा तेजी भी निकल के सामने आएगी? देखिए, मुझे जहां तक बुलियन का सवाल है, मुझे लगता है कि आज के सिल्वर के अंदर दाव लगाना ज्यादा बेहतर रहेगा। कल भी 62,500 के का भाव सिल्वर ने लगाया था, जिसकी हमने अनुमान दिया था कि सोने चांदी के अंदर में मजबूती लगती है। मुझे लगता है सिल्वर में आज खरीदारी करके चलना चाहिए और इसके अंदर तेजी की संभावना बन सकती है। जी, इसे कर्नल अजय जी बात करें अगर अब शेयर बाजार की, तो देख रहे हैं कि बजट से पहले ही शेयर बाजार उछल चुका था, अब देख रहे हैं कि बजट पेश हो चुका होगा, 11:15 का समय है तो बजट भी शुरू हो चुका है। ऐसे में आपको क्या लगता है शेयर बाजार में आज कैसा माहौल रह सकता है, क्या शेयर बाजार में ऐसी हर्षोल्लास वाला माहौल बना रहेगा आज? देखिए, कल जो शेयर बाजार में तेजी रही उसका प्रमुख कारण ये था कि जो आर्थिक सर्वे से बाजारों को एक बल मिल गया था, और आर्थिक में देखें कि यदि कुछ हमें व्यक्तिगत मतलब कुछ हमें बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखना भी चाहिए, वो महत्वपूर्ण बिंदु है कि देखिए कि वादे और इरादे में बड़ा फर्क होता है। वादे और इरादे में इसलिए फर्क होता है कि जो भी सूचनाएं जो भी नजरिया पेश होता है उसके ऊपर एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए। जब तक वो एग्जीक्यूशन नहीं होगा उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा जो मुद्दा रहेगा वो है बेरोजगारी। यदि भारतीय अर्थव्यवस्था से लगभग 20 करोड़ नौकरियां अभी भी गायब हैं, अभी लगभग 40 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है संगठित और असंगठित इलाकों में, सेक्टर्स में, जबकि 60 करोड़ लोगों को देश में श्रम बल में शामिल होना चाहिए। 2017 में बेरोजगारी दर जो 5.17% थी, जो बढ़कर 2021 में 7.80% हो रही है, ऐसे में रोजगार को बढ़ाने के कदमों का ऐलान की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। यद्यपि बजट शुरू हो चुका है, श्रीमती सीतारमण जी अपना बजट पेश कर रही हैं और हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि इसमें कुछ मिले, क्योंकि कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। ये होगा जो 39.6 लाख करोड़ का जो ये बजट होगा, इस बजट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो कुछ बिंदु जो है कि शेयर बाजार के लिए लगभग 221 लाख डीमैट अकाउंट अप्रैल से नवंबर 2021 के बीच में नए अकाउंट खुले हैं, और आप शेयर बाजार में रिटेल इन्वेस्टर्स की जो हिस्सेदारी है वो 44.7% हो गई है। ये एक बहुत अच्छा नजरिया है, ये एक अच्छी सूचना है। आयात निर्यात को भी देखें तो वित्त वर्ष में 2021-22 में भारत का निर्यात 16.5% बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है, जबकि आयात 29.4% बढ़ने की अनुमान है। और महत्वपूर्ण ये रहेगा कि हाउसिंग सेल्स जो हैं, कई राज्यों में ड्यूटी में कटौती की है ताकि उनको रजिस्ट्रेशन फी या रजिस्ट्री फी के हिसाब से उनका मिल जाए, इससे हाउसिंग सेल में भी मजबूती बनने की संभावना है। कुछ जो एक आम लोगों की जो धारणा है कि टैक्स स्लैब के अंदर यदि कुछ कॉर्पोरेट टैक्स को थोड़ी सी कटौती हो, कुछ ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो 1 लाख से ऊपर की जो है इसमें कुछ कटौती हो या ये खत्म हो जाए, तो मुझे लगता है कि काफी बाजारों को इससे बूस्ट मिलेगा। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर भी यदि कुछ टैक्स में रियायत मिले या कुछ इंसेंटिव मिले तो इससे बेहतर रहेगा। हाउसिंग जैसे बुनियादी जो आवश्यकता है, रोटी कपड़ा और मकान, उसमें मकान जैसी हाउसिंग के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर के अंदर कुछ रियायतें मिले तो निश्चित रूप से इससे रोजगार संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बनेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग को यदि हम बढ़ावा देते हैं तो बेरोजगारी की समस्याओं में मतलब रोजगार के अवसर अधिक मिलने से लोगों के असर के अंदर असंतोष कम होगा। महत्वपूर्ण यह है कि रक्षा बजट के अंदर भी कुछ इजाफा, एक्स सर्विसमैन फौजियों के लिए, कुछ सीनियर सिटीजन के लिए, कुछ कृषि उपज या रूरल इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ सेक्टर के ऊपर, एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, जो बुनियादी चीजें हैं इनके अंदर कुछ हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है कि जो मध्यम आय वर्गीय लोग हैं उनको यदि राहत मिलती है तो इससे बाजारों को सपोर्ट मिलेगा।
टैक्स जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी लोगों का एक बड़े सवाल है कि आप 18 से 20% आप जीएसटी ले रहे हैं, इनकम टैक्स और ले रहे हैं, तो जो आम बचत है वो इंसान की बिल्कुल कम हो रही है, 50% के लगभग तो टैक्स नहीं जा रही है। तो इन ये जो एक इस तरह से जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर थोड़ा रीस्ट्रक्चरिंग हो, इनकम टैक्स के स्लैब्स के अंदर कुछ फायदा मिले, तो मुझे लगता है कि इकोनॉमी में भी बढ़ोतरी होगी और एक आम इंसान इसमें राहत का की सांस लेगा। जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के जो भी सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, जिनकी आमदनी लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए साल की है, यानी 25-30 हजार रुपए महीने की क्या है, यदि उनको राहत मिलती है तभी आपको राहत वाला बजट माना जाएगा। छोटे और मझोले किसानों को राहत मिलती है तो ये बजट राहत वाला माना जाएगा। बजट के बाद में अगले 1-2 महीने के अंदर महंगाई घटती है तो ये बजट राहत देने वाला माना जाएगा। चाहे वो आप एफडीआई को बढ़ाएं, चाहे सरकारी और प्राइवेट हिस्सेदारी के प्रोजेक्ट्स में आप बढ़ाएं, या आप प्रोडक्ट बेस्ड इंसेंटिव स्कीम्स को आगे बढ़ाएं, कुछ भी करें, लेकिन आम इंसान, घरेलू इंसान, छोटा मध्यम व्यापारी, छोटा किसान और एक लोअर मिडिल इनकम ग्रुप को जब तक फायदा नहीं मिलेगा तो बजट के बारे में हम लोग और कुछ नहीं कह सकते। बड़ी कंपनियां लगातार मुनाफा कमा रही हैं, छोटी कंपनियां समाप्त हो रही हैं, मझोले कंपनियां परेशान हो रही हैं, तो एक चीज ये है कि वो है। और जहां तक कमोडिटी का हमारा जो चैनल है उसके ऊपर जो तिलहन जो है और हमें बहुत काम करना है, 60% से ज्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तिलहन की उत्तम किस्म के बीज यदि हम उपलब्ध कराएं, पर हेक्टर उसमें यील्ड ज्यादा हो और इसका प्रोत्साहन हो और किसानों को सही दाम मिले, क्योंकि यदि फसल अच्छी आती है तो किसान परेशान होने लगते हैं, फसल खराब होते आने लगती है तो दाम बढ़ जाते हैं। तो बेसिक चीज यह है कि जो इनकी प्राइस स्ट्रक्चरिंग है वो प्रॉपर हो और एमएसपी और एमआरपी के बीच का जो संतुलन है वो फिक्स होना चाहिए कि इतने दाम बढ़ने तो इतना, यदि फसल के दाम इतने बढ़े तो एमआरपी इतनी बढ़नी चाहिए, यदि फसल के दाम गिरे तो एमआरपी को तुरंत प्रभाव से करंट मार्केट प्राइस से उसको डाउन होना चाहिए, क्योंकि जब दाम घटते हैं और एमआरपी तक जब बात आती है तो फिर वापस उसके आसपास आ जाते हैं तो एमआरपी घटती नहीं है या फिर मामूली सी घटती है। तो इसके ऊपर यदि अब सरकार यदि कोई योजना ले आए तो मैं समझता हूं कि आदि समस्याओं का से समाधान हो जाएगा, उपभोक्ता और छोटे जो लो इनकम या मीडियम मिडिल इनकम ग्रुप के जो लोग हैं उनको राहत मिलेगी। ये अग्रह जी कनरे जी, तो आज कुछ ऐसा रह सकता है शेयर बाजार, कम्युनिटी बाजार और आज आपका राशिफल। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई, अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।